नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल पढ़ा था डिवाइडर और आज पढ़ना था टर्मिनल। टर्मिनल क्या है, इसका क्या यूज है, इस वीडियो में सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल टर्मिनल क्या है, इसका क्या यूज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त या चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इसका जो वृत्त खींचा जाता है उसकी मार्किंग करने के लिए टर्मिनल का यूज किया जाता है। आप कहेंगे आपके कैलिपर का भी यूज कर सकते हैं, प्रकाल क्या प्रकाल का भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ये बड़े साइज के वृत्त खींचने के काम आता है। अधिकांश ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बड़े वृत्त खींचने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है, तो टर्मिनल का किया जाता है। ये कार्य के अनुसार 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। इनकी बनावट में देखते हैं क्या क्या होती है। इसकी बनावट में एक स्टील की छड़ होती है। इसकी जो छड़ होती है वो स्टील की होती है, जिसको बीम कहते हैं। बीम के ऊपर दो स्लाइडिंग हेड होते हैं। जो बीम होते हैं उसके उसके ऊपर दो स्लाइडिंग हेड होते हैं जो मूव करते रहते हैं, जिसको जिसको किसी जिसको इस पर इधर उधर खिसकाया जा सकता है। जैसे बताया मूव कर सकते हैं, इनको दोनों को सरकाया जा सकता है इधर उधर, ठीक है। इन पर स्लाइडिंग हैंडलों को कसने के लिए क्रैम्प नट लगे रहते हैं, मतलब जिनके दो नट भी लगे रहते हैं जो क्रैम्प करने के लिए कसने के लिए। स्लाइडिंग हैंडलों के साथ स्क्राइबर फिट किया जाता है। जो स्क्राइबर आपने पढ़ा है, स्क्राइबर के जो पॉइंट होते हैं जो इसी नट के साथ फिट किए जाते हैं। जो किसी किसी टर्मिनल में स्लाइडिंग हैंड के साथ कैरियर होता है, कैरियर भी जुड़ा रहता है। जो कैरियर एक होता है वो भी किसी किसी स्क्राइबर में जुड़ा होता है, हर किसी में नहीं जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म एडजस्टिंग भी किया जाता है। यानी जो एडजस्ट जो सूक्ष्म होता है उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट स्क्रू भी फिट रहते हैं। जो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए वो स्क्रू भी इसी में फिट रहते हैं। स्लाइडिंग हेड को क्लैंपिंग नट की सहायता से बीम पर कहीं भी माप के अनुसार कसा जा सकता है। इनकी कहीं भी इसको स्क्रू एडजस्ट के अकॉर्डिंग कहीं भी कसा जा सकता है। और कैरियर की सहायता से सूक्ष्म एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जो कैरियर है उसके सहायता से उन सूक्ष्म जो छोटे नट होते हैं सूक्ष्म नट उनको एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर भी माप को स्टील रूल की मतलब स्टील रूल होती है उसी की सहायता से टर्मिनल से माप भी ली जा सकती है, ठीक है। देखते हैं अपन चित्र के अकॉर्डिंग समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये देखिएगा जो देख रहे हैं आप स्टील रूल पर जो तो पॉइंट रखे हैं इनको स्क्राइबर कहते हैं। देखिए जो पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, ये देखिएगा उनके ऊपर ये बीम लगी हुई है। देखिए क्लैंप नट ये लगे हुए हैं, लॉकिंग नट, ठीक है, स्लाइडर, एडजस्ट स्क्रू जो होते हैं दोनों स्क्राइबर हैं, ये साइड से होता है, इसको कहते हैं एडजस्ट। और नीचे स्टील रूल रखी हुई है, ठीक है, स्टील रूल की सहायता से माप ली जाती है। आशा करता हूँ आप लोगों को फिगर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसकी देखते हैं सावधानियाँ, इसकी सावधानियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसकी सावधानियों में क्या क्या करते हैं हम। टर्मिनल को स्क्राइबर के पॉइंट को तेज़ धार वाले होने चाहिए। जो इसकी जो पॉइंट होते हैं स्क्राइबर वाले उनको तेज़ धार वाले होने चाहिए। अगर तेज़ धार वाले होंगे तो हम आराम से ही उसको मार्किंग कर सकते हैं मेटल पे, है ना। देखते हैं इसकी एक सावधानी और दूसरी वाली, समय समय पर टर्मिनल को तेल या ग्रीस लगा देनी चाहिए जिससे इसको जंग लगने से बचाया जा सके। आज की वीडियो में कुल इतना ही, थैंक यू दोस्तों।